हमीरपुर में ग्राम पंचायतों को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मचारी अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय सफाई कर्मचारी उत्पीड़न से परेशान होकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने पंचायत राज अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार राजनीति और सफाई कर्मचारियों की अत्यधिक समस्याएं हैं जो विभाग द्वारा समाधान नहीं किया जा रहा है। हम 3 सितंबर 2021 से निरंतर पत्राचार कर रहे हैं, मौखिक वार्ता कर रहे हैं, कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है, जबकि समस्त समस्याएं जिला स्तरीय है। कोई समस्या हमारी ऐसी नहीं जो शासन द्वारा मांग की जा रही हो, ये जिला स्तरीय समस्या है और समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। जैसे समस्या है कर्मचारियों के अवशेष पड़े वेतन, उनको नहीं निकाला जा रहा है समस्त कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, और कार्यालय में बिल लिपिक के स्थान पर एक ग्राम पंचायत अधिकारी ज्योत्सना कंचन द्वारा कर्मचारियों का निरंतर शोषण किया जा रहा है। जब तक विगत जो है 3 वर्ष पहले 250 लोगों की ACP लगाई गई थी, परंतु अभी भी 350 लोगों की ACP बाकी है, वो जो जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। और जिला पंचायत राज अधिकारी की कार्यालय में कार्यरत जो स्थापना का चार्ज सफाई कर्मचारी श्री राजेंद्र कुमार जी लिए हुए हैं। जो भी कर्मचारी उनके पास अपने काम के लिए जाता है तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है और उनको जो है तो बलगला करके कार्यालय के बाहर भगाया जाता है और उनका कार्य नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार ग्राम पंचायत अधिकारी हैं ज्योत्सना कंचन, जो कार्यालय में अटैचमेंट है, उनके द्वारा भी बिल नहीं बनाया जाता है।